मेरा नाम है अली, अब मैं क्या बनाऊं? राम। दिवाली फुल टू दिवाली, टू दिवाली बोला नीचे, लेकिन हम तो एक ही चीज जानते हैं, नरेंद्र मोदी बस। अगर मोदी की बात बार बार करोगे तो मैं कहूँगा ये मोदी नहीं है, इंसान नहीं है, ये साक्षात खुद ही आए अपना कार्य करने के लिए, इस रूप रूप दे दिया उन्होंने। तो वे वास्तव में कलयुग के जीवित भगवान के रूप में बनकर आए हैं। आज एक व्यक्ति के आह्वान पर पूरा देश खड़ा हो गया। हर टाइप की चीज बिक रही है, जो चीज हमारे पास, जो राम के नाम की चीज है वो सारी बिक रही है सर, उसमें राम होना चाहिए, राम के नाम सब कदम है। 2023 की दिवाली में वो बात नहीं थी जो जनवरी की 2024 की दिवाली आ रही है। यार रोजी रोटी मिल रही है ना, है कि नहीं? कोई दुकानदार नहीं कह सकता कि मैं खाली बैठा हूँ, इतनी बाढ़ आ रखी है, बाढ़ आ रखी है। मैं पापा की हेल्प कराने के लिए आया हूँ, क्योंकि पापा से अकेले काम ही नहीं हो पा रहा है, इस टाइम मार्केट में इतना काम है। जी होली दिवाली मैं यही करती हूँ, और ईद का दूसरी दिवाली मैंने मनाई है। आप ही बोल लो, आप पहले नमस्ते राम हेलो करते थे, आप सब जय श्री राम बोल रहे हैं। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। अंदर भी क्या करूँगा, जो माली नहीं है, जो आ रहा वापिस जा रहा, जो आ रहा वापिस जा रहा, इससे जो है उसको वो दिखाते जा रहे, ले जा भाई जो ले जा रहा। राम लला का आगमन हो चुका है, हर गली हर मोहल्ला भगवा रंग से सज चुका है। आइए ऐसे में जानते हैं व्यापारियों से कि उन्हें आर्थिक रूप से कितनी सहायता मिल रही है। राम राम जी। राम राम। नाम है आपका? मेरा इरशाद। हाँ? इरशाद। पूरा नाम बताइए। इरशाद ही है। अच्छा, तो ये क्या है, क्या दीजिए आप? ये झंडे हैं जी। तो ये कैसा चल रहा है काम? बहुत बढ़िया चल रहा है, स्टॉक तो कल ही खत्म हो गया था। ये भाई जी जी करीब 100-150 पीस के भी ऑर्डर आए हैं, लेकर के गए जी। राम राम मैम। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। आशीष कुमार जैन। अच्छा, तो कैसा व्यापार चल रहा है? बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। मोदी जी ने राम मंदिर तो बनवाया ही, साथ में लोगों को रोजगार भी दिया, और बहुत रोजगार मिला, और बहुत इतने उम्मीद भी नहीं थी कि जितने झंडे बिके हैं सारी मार्केट में, सबका काम भाग ले चला, छोटे से लेके बड़ों तक का, कोई परवाह नहीं कर रहा किसी चीज की, रेट की भी कोई परवाह नहीं कर रहा, बस झंडा जी होने। नहीं कोई एडवर्टाइजमेंट, हमें भी नहीं पता था इतने झंडे बिक जाएंगे, नहीं तो लोग इसकी भी वो कर लेते, इकट्ठे कर लेते बहुत ज्यादा, जिसकी ब्लैक होती है, लेकिन किसी को पता नहीं था, लेकिन जिस पर जितने आए और रोज आ रहे और रोज बिक रहे, अभी भी आने वाला है थोड़ा बहुत। आप ये देखिए जो झंडे बन रहे हैं, ये जो मोमडन्स हैं वो भी हमारे झंडे बनाते हैं, उन लोगों को भी इसका रोजगार मिला है, आप लोगों हम लोगों को रोजगार मिला है, छोटे जितने भी व्यापारी हैं सबको कुछ ना कुछ व्यापार इससे मिला है, क्योंकि सबका ट्रांसपोर्ट को इससे फायदा हुआ है, सबको इससे फायदा हुआ है। क्या नाम है आपका? सिंह इज किंग जी। जी। तो ये कैसा व्यापार चल रहा है आपका? बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। लोग ले रहे हैं, दब आके ले रहे हैं। क्या 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 ले रहे हैं? सब कुछ ले रहे हैं, जैसे दिवाली बनाते हैं सेम वैसे फंक्शन बना रहे हैं, सेम फेस्टिवल बन रहा है, दोबारा से दिवाली बन रही है इंडिया में। देखा कभी इससे पहले ऐसा नज़ारा कि लोग खुशी से खर्च कर रहे हैं? इससे पहले हमने उस पर देखा था जी, 15 अगस्त पर वो मोदी जी ने ऐलान करा था 75वीं वर्ष का, उस पर तब था, तब भी हमने झंडे बेचे थे, तब भी ऐसे हुआ था, तब भी इसी तरह से बिके थे, अब उसके बाद ये। राम राम जी। ओमवती सैनी जी। 50 के 50। हाँ जी। अच्छा जी, क्या बेच रहे हो? दीवे बेच रहे हैं जी, राम राम जी की खुशी में, हमारे राम जी हमारे घर पधारे हैं। कैसा चल रहा है व्यापार? बहुत अच्छा चल रहा है, राम जी के दिवस है, बहुत अच्छा चल रहा है। लोग ले जी, होली दिवाली मैं यही करती हूँ, और ईद का दूसरी दिवाली मैंने मनाई है। ना ना, हाँ 3, 4, 5, 6, 7 दिवाली मनाएंगे। प्रतीक रूप से मैं कह रहा हूँ, लाखों करोड़ के ध्वज बिक चुके हैं, इतना खर्चा हिंदू समाज कल के दिन कर रहा है कि इतने पैसे से एक मुल्क पाकिस्तान का पूरा कर्जा उतर जाए, भिखारी पाकिस्तान का पूरा कर्जा उतार दे, इतना पैसा सिर्फ हिंदू समाज एक दिन पर्व में कर रहा है। ये बढ़ता हुआ भारत है, शक्तिशाली भारत है, विश्वगुरु बनने के कगार पर भारत है, आज पूरे विश्व में जय जयकार भारत की हो रही है, सनातन की हो रही है, क्योंकि सनातन और भारत अलग नहीं है, एक ही है। ऐसा रौनक कभी नहीं देखी, कभी नज़ारा नहीं देखा, कुदरत का कमाल है, हो रहा है सब कुदरत का, और अभी होगा, अभी ऐसे करिश्मा होगा, कई करिश्मे होंगे, जैसे जैसे वहाँ अयोध्या में दिखाए हैं ये बंदर आ गए हैं, गरुड़ आ गए हैं, इस इतने सांप आ गए हैं, लोग हैरान हो गए, अभी तो इससे कई गुना बढ़िया होना है, सब मोदी जी की कृपा है, उनकी वजह से सब अच्छा हो गया। आप एक बात सुनना, आपको मेरा नाम पता है? मेरा नाम है अली, अब मैं क्या बनाऊं? राम। आप भावना दिल से होती है, जज्बात से होती है, कोई किसी का भगवा, कोई किसी का धर्म यूं नहीं कहता है कि कुछ काम ना करो, ये तो बुरा मत मानना मेरे बात का, आप ये आपकी चीज है कि आप उल्टा सुद्धा कहते हो दूसरों को, इंसान नहीं चाहता कि ये चीजें आवे, हमारा दिल है, हम बने हुए हैं, मेरा नाम अलीशान कुरेशी है जी, हमारा दिल है
हमारा काम है, बहुत मजा आ रहा है, दिल खुशी से हो रहा है। दिवाली फुल टू दिवाली, टू दिवाली। हम सामान लेने आए बच्चों के लिए, पटाखे लेने आए बच्चों के लिए। दिवाली है कल हमारी 500 साल बाद। अच्छा कल दिवाली है। कल दिवाली है 500 साल बाद जो आ रही है। पहले आती थी हर साल, ये वाले आ रही 500 साल बाद। अच्छा। तो स्पेशल बच्चों के ऑर्डर में स्पेशल पटाखे लेने आए संडे को हम। ओवरऑल देखा जाए तो मुझे, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे इतना पता है बस। मैं क्या, मेरे बच्चे क्या, मेरी फैमिली क्या, सारी पब्लिक खुश है। इवन घंटाघर में वो लगा रहे, स्क्रीन लगा रहे, डेली शाम को बच्चों को लेकर आता हूँ, उसके बाद शाम को 10 बजे तक वहाँ रहते हैं, डांस करते हैं, फिर घर आते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, सोते हैं। हमारा नाम रवि है। अरे अरे अब क्या जैसी ना फाड़ के तो दिखा नहीं सकते जी। राजीव नगर से यहाँ आए बेटा। राजीव नगर से? हाँ, इसी के लिए मैं आई। हाँ, आप मेरे लिए कोई शॉपिंग नहीं कर सकती? हाँ। कि कौन ले जाएगा गाड़ी में? आज बेटे की छुट्टी है। हाँ। तो मैं झंडे के लिए यहाँ पहुँच गई। जय श्री राम बोलो। जय श्री राम। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, अंदर से बहुत बढ़िया लग रहा है। ये लग रहा है जितने झंडे लेके पूरे घर को सजा दिया जाए। त्यौहार नहीं है फिर भी त्यौहार की तरह लग रहा है। हाँ देखा है। वैसे आपने इससे पहले लोगों ने कभी इतना खर्चा किया? नहीं 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 नहीं, नहीं पहली बार देख रहे हैं हम इतना खर्चा हुआ। फिर भी दीपावली के टाइम पे भी इतना खर्चा नहीं करते हैं। हाँ, वह दीपावली से तो ज्यादा ही अपना आप में महसूस हो रहा है, कुछ ज्यादा ही त्यौहार बढ़ा रहा है अभी। राम राम अंकल। राम राम जी। राम राम राम। रतन लाल। पूरा रतन लाल सोलंकी। अच्छा आप कहाँ से हैं? हम राजस्थान से। मैं ये देख रही हूँ यहाँ पे लगे हुए हैं, कैसा चल रहा है व्यापार? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा चल रहा है। जिसके मन के अंदर राम की भावना है वो सब ले रहे हैं। हाँ। और एक दफे आके बात किया, तुरंत लेके चला गया। कितने का झंडा है ये? 250 रुपए का है। 250 रुपए का है। हाँ। तो आप कितने बेच चुके होंगे अभी? 10-15 में बेच दिए अभी से, अभी अभी आया हूँ, बस लगाने भी नहीं दे रहे। हम स्कूटी पे लगवा रहे हैं इस समय। हमारा पूरा माहौल जितना भी आप देख रहे हैं सब राम में हुआ पड़ा है। मैं कल मैं राम जन्मभूमि के उपलक्ष्य में जो है कम से कम 200 किलो सोन पापड़ी बांटूंगा। मार्केट के अलावा धर्म को बहुत ज्यादा है, जो चीज होनी चाहिए वो हुई है। मार्केट से कोई मतलब नहीं, मार्केट तो जीवन भर चलती रहेगी, मगर जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। इतना बड़ा झंडा लगवा रहे हो आप? हाँ जी। तो ये किसी ने बोला है आपकी खुशी से? ये हमारी श्रद्धा है प्रभु राम के प्रति। अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि युगो युगो से जो इंतजार था पूरा हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, सो क्या हम एक धार्मिक उससे? बिल्कुल 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 बिल्कुल, भाव है ना, भाव है। उन्होंने ये तो नहीं कहा मैं मंदिर बना रहा हूँ मेरे को वोट दे देना, ऐसे तो नहीं है ना। आज भी अपोजिट वाले क्या कर रहे हैं, क्या वो इस धर्म को नहीं मानते है? तो वो भी हिंदू तत्व है, लेकिन कितनी मतलब बेहूदी बात है, सोच का ही तो फर्क है। अब वो आपको बताऊं, अगर मोदी की बात बार बार करोगे तो मैं कहूंगा ये मोदी नहीं है, इंसान नहीं है, ये साक्षात खुद ही आए हैं अपना कार्य करने के लिए। इस रूप दे दिया उन्होंने, हकीकत तो ये है। किसने बनाई है ये ताकत? अब मैं कह दूँ तो आपको बुरा लग जाएगा। हैं? मोदी जी ने। अच्छा क्यों, कैसे करा उन्होंने? वो तो देखो ना, उन्होंने सारे मंदिर खुलवा दिए, उन्होंने सारे मंदिर पूरे हिंदुस्तान के मंदिर खुलवा दिए। जब भी देखो मंदिर में, जब भी देखो मंदिर में, तो उनकी भावना है ना, वो भी अपने आप। हम तो अपने मोदी जी को देखेंगे। अरविंद केजरीवाल भी सुंदरकांड का पाठ रखा है। मैंने तो उन्हें, हम तो मोदी जी। देश को भाषी आधार पर तोड़ दिया गया था, लोगों का कहना था वो साउथ, वो नॉर्थ, वो ईस्ट, कुछ नहीं। जब आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा द्वादश ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई, केदारनाथ से लेके तमिलनाडु तक स्थापना दी गई, उसका कारण यही था, सामाजिक समरसता का भाव। हिंदू हम सब एक हैं, हिंदू हम सब एक हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना। और हिंदुओं को जोड़ने के लिए जो संकल्प उन्होंने लिया था, वही संकल्प मोदी जी दोहरा दो रहे हैं, संतों की वाणी है, उसके ऊपर चल रहे हैं वो। तो वे वास्तव में कलयुग के जीवित भगवान के रूप में बनकर आए हैं। देखिए आज कलयुग में अगर आप एक चीज की कल्पना करें कि देवों का रूप कैसा रहा होगा, चार हाथ, शंख, चक्र, गदा, पद्म भूषण, से ऐसा नहीं। आज कलयुग है तो इसी प्रकार की मानसिकता, जिन्होंने अपने स्वार्थ को छोड़कर सिर्फ देश के प्रत्येक नागरिक को अपने परिवार का सदस्य समझ लिया, ऐसा शासन आज देश में हो रहा है, ये कल्पना ही थी। मैं मुजफ्फरनगर जिले से हूँ, तो मुझे पता है कि हमने कैसे स्ट्रगल किया है इस चीज़ को, कि कैसे मतलब भगवान को हम टेंट से मंदिर में लेके आए हैं, तो हमें पता है कि मतलब क्या खुशी है ये। और जो राम को लाए हम उनको लाएंगे 2024, मोदी और योगी। हम तो मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, जो मोदी जी ने हमारे को इतना बड़ा सब लोगों के सपना साकार कराया। 500 साल के जो लोगों की विश्वास रुका हुआ था वो आज वापस मोदी जी की वजह से आया है। मोदी जी को सब, मोदी जी को उन्हीं की कृपा से हुआ है, जो उन्होंने बेड़ा उठाया, जो उन्होंने बोला है वो करके दिखाया है।
किसकी किसकी वजह से आपको लग रहा है त्योहार आ रहा है, दो दो त्योहार आ रहे हैं? बोला नीचे, लेकिन हम तो एक ही चीज जानते हैं, नरेंद्र मोदी बस। अच्छा, ऐसा क्यों? उन्हीं की बदौलत सब कुछ है, मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। ऐसा क्या उन्होंने करा है? उन्होंने ही तो करा है, पिछले 500 साल में क्या हुआ था? गवर्नमेंट तो पहले ही बहुत सारी थी ना, मोदी जी है, राम मंदिर बन गया, सारी धारा उन्होंने क्या क्या चीजें नहीं कर रहे हैं, अचीवमेंट अभी देखिए ना आप लोग। तो आपको क्या लग रहा है कि जैसे प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या आप इसको एक धार्मिक रूप देते हैं? बिल्कुल देते हैं हम। आपको लग रहा है क्या ये आगे आने वाले रिजल्ट का, चुनाव के रिजल्ट की तरफ इशारा है? इशारा तो मोदी है, तो 400 सीटें लेके आएगा। हाँ, सही कह रहा हूँ मैं आपसे, अच्छी सीटें मिलेंगी उसको, उसने बड़ी मेहनत करी। श्रेय तो फिलहाल तो मोदी जी को जाएगा, लग रहा है उनकी वजह से ये सब हो रहा है। उन्हीं की वजह से हो रहा है, वो ना करते तो कैसे होता, वो उद्घाटन ना करते तो होता ही ना।